पिताजी का साया भी हमारे सर से जाता रहा। ये गर्दिश हमारे क्यों पीछे पड़ी है और जो हम तो बर्बाद करने के लिए लगी है। सबर कर लो माता जी, यहाँ तो कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं। बात है माँ, वहाँ यार वो तो नहीं छोटे हमारी सी मम्मी उम्मीद है आप मेरी गुस्साखियों को माफ करेंगे और तख्त युद्ध अपने कदम मुबारकों से अच्छा बनाएंगे। तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारी दिली भावना बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। प्यारे भरत, मैं क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की जंजीरों से मजबूर हूँ, इसलिए 14 वर्षों के लिए तुमसे दूर हूँ। अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी यही सबसे बढ़कर धर्म है। आपके चरणों में निवास करूंगा और 14 साल के लिए बर्बाद करूंगा। नहीं नहीं मेरे प्रिय भाई, नहीं। मैं क्या करूं, मुझको हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, इतनी कृपा कीजिए, अपनी चरण पादुका मुझको दे दीजिए, उनको अपने साथ ले जाऊंगा और इसे तख्त योग्या पर बिठाऊंगा। अगर इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 साल के बाद एक दिन भी ज्यादा लगाओगे तो भरत को हरगिज जिंदा नहीं पाओगे। बोलो भरतलाल की। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और एक दिन भी ज्यादा ना लगाऊंगा।
अब तुम जाओ और खुशी खुशी से राज्य का काम संभालो और माताओं का अच्छी तरह से ख्याल रखना। बोलो भरत लाल की। बहुत ही सुंदर सीन हो तो दिखाने दो। पहला उस तो पहला वे नाम है जो दो कटने हैं। सारे पब्लिक के विचों एक सवाल पूछा जा रहे हैं, माता सुमित्रा के कि